करेले को इस तरीके से बनाओ कि कड़वे ना लगे और बच्चे भी इसे खुश होकर खाएं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले का भरवा। तरीका ऐसा है कि खाने में ना तो कड़वे लगेंगे और मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा ना जलेगा। धागे से भी बांधने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही तरीका बताऊंगी जब हम छोटे से थे मम्मी वैसे ही बनाती थी। ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा और खाने में टेस्ट का तो पूछिए ही मत, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। बनाने में झंझट तो है ही, लेकिन बनाने का उतना ही आपका मन खुश हो जाएगा। वैसे करेला मुझे बहुत पसंद है, चाहे जैसे भी बना के दे दो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल श्री गणेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी पूरी समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं। करेले एकदम फ्रेश हैं, लेकिन एक साइज के करेले मुझे नहीं मिले, कोई छोटा है तो कोई बड़ा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिले एक साइज में तो जरूर लीजिएगा। और इस पूरे सीजन में मैं भरवा करेला पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि इसे बनाने में समय लगता है और गर्मियाँ बहुत पड़ रही थी। अभी फिलहाल मौसम अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, बट अच्छा है पहले से। तो करेला तो मुझे बहुत पसंद है ही, तो सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ भरवा करेला। सभी करेले को मैंने धो करके साफ कर लिया है। अब इन करेले को बीच से कट लगा लेना इस तरीके से, और जिस करेले में बीज पके हो उन्हें निकालना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। आप प्रेशर कुकर में इस करेले को डाल देंगे और लगभग एक कप पानी डालकर इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर बस एक सीटी आने देंगे। ओवर कुक नहीं करना, 80% तक करेले का कड़वापन जो है इसी ट्रिक से खत्म हो जाएगा। कुकर के बजाय करेले को आप कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन पूरा बॉईल मत कीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहना चाहिए, बस 50% तक बॉईल करें। एक सीटी आने पर फ्लेम को ऑफ किया और प्रेशर निकालने के बाद ढक्कन खोलेंगे। अब इन करेलों को एक जालीदार प्लेट में निकालेंगे, नीचे कोई बाउल रख ले ताकि सारा पानी करेले से निकल जाए। अभी इसे रखते हैं साइड में और यहाँ हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हैंड चॉपर लिया है, इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर देंगे और 12 से 15 लहसुन। अब चॉप कर लेना है इन्हें, इसमें एकदम बारीक चॉप हो जाते हैं सभी चीज़ें अच्छे से। आप चाकू से भी बारीक चॉप करके ले सकते हैं, लेकिन प्याज को हमें पेस्ट नहीं लेना है, प्याज को बारीक काट कर ही लेंगे तो भरवा करेले का टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ करेले ठंडे हो गए तो इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लेते हैं। इस बीज का भी हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको इसका बीज पसंद नहीं है तो हटा भी सकते हैं, और ये जो पके हुए बीज है इसे हटा देंगे, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करेंगे। अब यहाँ एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये निकाले हुए बीज जो है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने लेंगे और 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज। इसकी जगह आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ लेंगे और 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, और ये खट्टा टेस्ट लाने के लिए ये कच्चे आम, वजन में ये लगभग 125 ग्राम होंगे, इसे छिलकर और काटकर ले लिया है। साथ ही 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके इसे महीन पीस लेंगे। और इसे हमने देखिए पीस लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, सॉरी इसे ऐड करना भूल गई, 1 तेज़पत्ता तोड़कर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हींग। चौक गए ना आप भी, भरवा करेला में तेज़पत्ता, लेकिन आज डालकर देखिएगा आप तेज़पत्ते को, टेस्ट अच्छा आएगा। अब सभी को मिक्स करते हुए प्याज को हल्का सा कच्चापन और मीठापन निकल जाए इतना इसे भून लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसे प्याज को। जैसे ही प्याज का कच्चापन निकल जाए इसमें हमने जो सरसों धनिया मसाले वाला पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे और मिक्स करके इसे भुनेंगे तब तक जब तक कि जो हमने सरसों पीस कर लिया उसका कच्चापन ना हट जाए। सरसों का एक बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर होता है, जो निकल जाए उतना ही इसे भून ले। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए फ्लेम को भी हाई कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। और ये देखिए मसाले कितने अच्छे से भून लिया हमने, मसाले से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब मसाले भून गए तो जो हमने तेज़पत्ता ऐड किया था उसे निकाल कर हटा देंगे, क्योंकि इनका काम पूरा हो गया। अब गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को 1 प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। और जब मसाले ठंडे हो गए हैं, चलिए अब मसाले को करेले में स्टफ कर लेते हैं। तो सभी करेले में मसाले को इस तरीके से स्टफ कर लेंगे।
जितना इसमें आप मसाले इसमें आ सके करेले में उतना आप मसाले इसमें भर दीजिए। और देखिए सभी करेले को हमने भर लिया है। अब एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे और 1 चम्मच बेसन। अगर चावल का आटा ना हो आपके पास तो सिर्फ बेसन भी ले सकते हैं। 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे और बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। और ये घोल कुछ इस तरह का होना चाहिए, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का, ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं करना है। अब एक पैन लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल को चारों तरफ इस तरह से फैला दे इस तरीके से, और अब करेले को लेकर इस घोल में इस तरह से डुबो देंगे। घोल को अच्छे से करेले में लपेट लेना और जहां से मसाले भरे हैं, जहां पे हमने कट लगाया था करेले में, उसको नीचे की तरफ तेल में डाल देंगे इस तरीके से। बैटर लगाने से मसाले बाहर नहीं निकलेंगे और भरवा करेला एकदम कुरकुरा बनेगा। जब थोड़ी देर ये नीचे से सीख जाए, सभी करेले को इस तरह से पलटना शुरू करेंगे और हर तरफ से इसे पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। आप इस करेले को डीप फ्राई भी कर सकते हो, मसाले बाहर नहीं आएंगे, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। और हर तरफ से इसे घुमा घुमा कर इस तरीके से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। और जब ये इस तरीके से फ्राई हो जाए इसे निकाल लेंगे। मेहनत तो बहुत लगती है इसे बनाने में, लेकिन जब ये बन जाती है तो दिल खुश हो जाता है और खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। इतना अमेजिंग बनता है ये। अगर आपने इस तरीके से भरवा करेला कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और मज़ेदार इतना कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। हर एक करेला देखिए कितने अच्छे से पका है और सिर्फ 1 चम्मच तेल में हमने इसे फ्राई किया है। इसमें ज़्यादा तेल भी हमने यूज़ नहीं किया और कितना परफेक्ट कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। और जब ये आप इस तरह से गर्मा गर्म दाल चावल के साथ इसे खाएंगे तो इसके टेस्ट का तो पूछिए ही मत। आप इसे 3-4 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हम तो इसे सफ़र में भी बनाकर ले जाते हैं, एकदम परफेक्ट रहता है लंच के लिए। तो चलिए आप भी ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।